हमारा रिश्तेदार था, हुकूमत का रिश्तेदार थोड़ी था यार, वो मेरा भाई था, उनका थोड़ी भाई था वो। हमें क्या लगे हुकूमत से, हुकूमत हर काम करती होती तो फिर ये मुल्क तरक्की ना कर जाता। सर इस वक्त कुछ नहीं कहा जाएगा, खुदा की कसम दिल बहुत परेशान है। आपके साथ काफी टाइम गुजरा है। बस उस टाइम की वजह से कह रहा हूँ। लोगों को साले वाला एकदम अपने गम में छोड़ गया, क्या कहेंगे आप? बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह का माल है, अल्लाह की तरफ ही जाएगा। देखो ये अल्लाह की सरजमीन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले लोग जो हैं वो अपने अपने मकसद के लिए आएंगे और अपना मकसद पूरा करके वापस चले जाएंगे। अच्छा कोई हुकूमती नुमाइंदा हमें यहां पर नजर नहीं आया, उस हवाले से कुछ कहना? सर जी मैं सीएम साहब का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि एक घंटे के नोटिस के ऊपर उन्होंने अपना तमाम काम किया था, पेपर वर्क किया था, इवन बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया था चेक लेकर, और डीन साहब को उन्होंने कॉल की, प्राइवेट रूम कराया। मैं जब तक जिंदा हूं मैं सीएम साहब परवेज इलाही साहब को शुक्रगुजार रहूंगा अपने भाई की खिदमत के लिए, बहुत शुक्रिया। यार हुकूमत का हमारा रिश्तेदार था, हुकूमत का रिश्तेदार थोड़ी था यार, वो मेरा भाई था, उनका थोड़ी भाई था वो। हमें क्या लगे हुकूमत से, हुकूमत हर काम करती होती तो फिर ये मुल्क तरक्की ना कर जाता।